एक दुखद खबर। पूर्वतन राष्ट्रदूत अवसर बेउरिया परलोक हो जाएगी। विलंबित राति में हृदघात होता। भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल अवसर बेउरिया देहांत हो मृत्यु संपर्क में पत्नी सूचना देते। मृत्यु बेलू 80 वर्ष बयस होता। विशिष्ट कूटनीतिज्ञ भाव में अवसर बेउरिया निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर विलंबित राति में हृदघात हो विशिष्ट कूटनीतिज्ञ भाव से अनेक बार आलोचना अनेक बार विभिन्न प्रसंग नहीं आम स्टूडियो चर्चा कर बाबद अधिक आलोचना वरिष्ठ सांबादिक संदीप साहू जोड़ी होती। सर कौन कहवा आउ अवसर बेउरिया नहांती कारण अनेक बार से आम स्टूडियो को आसती अनेक बार आलोचना करती अनेक बार फोन लाइन में जोड़ी हमें जो विशिष्ट कूटनीतिज्ञ हिसाब से जो कार्य कार्य दक्षता ये निश्चिंत भाव में मन रहा देखु निश्चित भाव परिचय हूँ जड़े कूटनीतिज्ञ हिसाब से कितु सी केवल जड़े कूटनीतिज्ञ अभिहित करें भावी प्रति अविचार हम क्या सी जड़े थे उच्च कोटीर बुद्धिजीवी संस्कृति प्रेमी स्तंभकार अन्य विभिन्न दिगरे ओडिशार बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अवदान जथेष्ट बेसी केवल कूटनीति नुहे कि केवल फॉरेन अफेयर्स नुह अन्य बहु कथार संस्कृति संपर्क जिते अनुष्ठान सबुथे सी संपुक्त कलिंग सोसाइटी फॉर इंडो पैसिफिक से गोटे बोर्ड मेंबर थे इंपैक्ट मेंबर थे संस्कृति सुरक्षा प्रचार जिते सब अनुष्ठान अच्छी से अति अंगांग भाव जड़ित खबर कागज स्तंभ लिखुले विभिन्न प्रसंग में मत दौले निर्भीक भाव एवं अत्यंत अमायिक व्यक्ति थे निकट में राष्ट्रपति जिते उड़िया इंजीनियरिंग पुस्तक उन्मोचन कले सी प्रोसेसर मध्य सी ओडिया ग्लोसरी तैयारी कर संपुक्त थे से प्रोसेस तेणुक सी कहुए जड़े मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी विभिन्न दिगरे जड़े स्तंभकार जड़े साहित्यिक जड़े कूटनीतिज्ञ जड़े प्रत्येक क्षेत्र में जड़े विभिन्न क्षेत्र में निजर पारदर्शिता रखुवा एभली जड़े व्यक्तित्व आप निकट अतीत सहित किसी मुहूर्त बिताई कि निकट अतीत तो नुहे कितु हाँ किसी मस ते गोटे सांस्कृतिक सभार मु देखाई अल्प किसी समय कथबार्ता और जिते बड़े भी भेटी मो खूब भल लगे कहीं से अत्यंत अमायिक व्यक्ति समस्त को अत्यंत भल भाव ट्रीट करती क्या छोट बोली मन करते ना किए कौन प्रश्न अति अभांतर प्रश्न पचारे भी सी विरक्त हमें ना अत्यंत धैर्यशील अत्यंत अमायिक व्यक्ति स्थान बड़ रक ना सब बड़ कथा जे 80 वर्ष बयस हेले भी मन में जो अनुसंधी इच्छा मानते जो क्यूरियोसिटी गोटे छोट छुआर जो क्यूरियोसिटी रहे से क्यूरियोसिटी यहाँ कौन तार हिस्ट्री कौन तार एटिमोलॉजी कौन ये शब्द कौठू बाहर से जानिबार इच्छा एवं किछि करिबार निशा ये 80 वर्ष बयस रे मध्य तांकर बजाय रहितला। सर टिके अटके को चाहि हम सहित विनोद मिश्र विदेश नीति विशेषज्ञ जोड़ी होती। सर आउ नहांती अवसर बेउरिया आम अनेक बार आलोचना करछे तांकर सहित स्टूडियो रे अनेक बार आम फेस टू फेस आलोचना मध्य करछे फोन लाइन माध्यम रे आलोचना करछे प्रत्येक विषय को से बुझाई दियंती प्रत्येक विषय को से अति सरल भाव में व्याख्या करिवारे से अभिज्ञ एवं जने साहित्यिक जने स्तंभकार जने विभिन्न क्षेत्र में आपण अनेक गुड़े क्षेत्र में पारदर्शिता आपण कूटनीतिज्ञ भाव में कहतु कि राजनैतिक भाव में कहतु कि करेन्ट अफेयर जो क्षेत्र में आप कहे से क्षेत्र में जो भाव में अवदान रही ये निश्चिंत भाव में मन रहा सहित मोर इंटराक्शन आपण मान चैनल जरिया हुए बहुत शिखी जो सरल भाव से कम्प्लेक्स इंटरनेशनल इलेक्शन आनालीज करती जो इनसाइडर्स व्यू
ডিপ্লোমেটিক কমিউনিটির ভিউ কু আগে সরল ভাবে ওড়িয়া ভাষার বুঝে দিয়ে মু তো বহুত শিখে এবং তারপর যে অমায়িক পার্সোনালিটি নিশ্চয় যে স্বভাব স্বভাব ওভার রিয়েলি ইমপ্রেসিভ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিছু করিবার নিশা তাঙ্কু এতে বাটক আনিপারিথিলা কারণ কিছু জানিবার নিশা কিছু করিবার নিশা অশি বর্ষ বয়স সিনা হয়েছিলা কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়কু সে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চর্চা করুথিলে আলোচনা করুথিলে এবং প্রত্যেকটি বিষয়কু সেই পর্যায়ে নেই থৌথিলে যেভাবে সরল হয়ে পারিব সে বিষয়টি খুব শীঘ্র বুঝি হয়ে কারণ অনেকবার আমি স্টুডিওরে তাঙ্ক সহ আলোচনা করেছি বিভিন্ন প্রসঙ্গকে নেই সে কূটনৈতিক প্রসঙ্গ কথা কুহতু সে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ কথা কুহতু সে দেশ বিদেশর প্রসঙ্গ কথা কুহতু আমি চর্চা করেছি এবং খুব সুন্দর ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়কে বুঝাই দেওয়া তাঁর যে কলা ইয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে জাঁবার ইচ্ছা ইয়ে সদা সর্বদা তাঁর পাখে দেখা মিলে আমার সহ লগাতার ভাবে যোড়ি হয়েছেন বিনোদ মিশ্র বিদেশ নীতি বিশেষজ্ঞ আমি আলোচনা করুছি কিন্তু লগাতার ভাবে আমি এই খবর নিশ্চিন্ত ভাবে মর্মাহত করুছি পূর্বতন রাষ্ট্রদূত অবসর বেউরিয়াঙ্কর পরলোক বিলম্বিত রাতে তাঁর হৃদঘাতে পরলোক হয়ে যাই ভুবনেশ্বর এক ঘরোই হসপিটালে তাঁর দেহান্ত হয়ে যাই তাঁর মৃত্যু নিয়ে তাঁর পত্নী সূচনা দিয়েছেন মৃত্যু বেড়ে তাঁর 80 বর্ষ বয়স হয়েছিল এবং জন স্তম্ভকার হিসাবে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার তাঁর ছাপ দেখা মিলুলে জন সাহিত্যিক হিসাবে অনেকগুড়ি মত সে রাখুলে জন বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিজ্ঞান প্রতি তাঁর অহেতুক দুর্বলতা রয়েছিল এবং এপটে জন কূটনৈতিক হিসাবে দেশ বিদেশ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র রাষ্ট্র ভিতরে যেভাবে ভাবে বর্তমান মতভেদ জারি রয়েছে তাকে নিয়ে অনেক প্রকার সে মত বি রাখুলে এভাবে জন ব্যক্তিত্বর পরলোকের নিশ্চিন্ত ভাবে প্রিয়মাণ